गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमति। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आत्मकथा। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी लिखते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तो मैं उन सावधानियों की चर्चा इस वीडियो में करूंगी। जैसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन। इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी किसके बारे में बता रहे हो आप, तो आपको वो बनना होता है। जैसे मैं एक सिक्का हूँ, या मैं एक घड़ी हूँ, मैं एक छाता हूँ, मैं एक नदी हूँ, मैं एक पेड़ हूँ, मैं एक साइकिल हूँ, मैं एक बल्ला हूँ। तो आप जिसकी भी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं वो आपको बनना है। फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है, कहाँ बना, कैसे बना, कितने रंग का होता है, कितने रुपए का मिलता है, तो ये सब बारे में आपको लिखना है। तो उसके बाद में आपको ये हो गया इंट्रोडक्शन। सेकंड लिखना है आपको बॉडी। तो बॉडी में आप कोई घटना लिख सकते हैं, कोई कहानी लिख सकते हैं उससे संबंधित, और आप उसके बारे में डिटेल में आप उसके बारे में लिखेंगे। और थर्ड क्या होता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप उस, मैंने कि आपको शिक्षा लिखनी है। जैसे घड़ी की आत्मकथा में जैसे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें नए फ्रेंड बनाते रहना चाहिए, इस तरह का मोरल आपको लिखना है। और जैसे तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं जैसे पेड़ की आत्मकथा का एक उदाहरण देती हूँ, तो आप इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये किसका पेड़ है। सबसे पहले तो ये लिखना है कि मैं आम का पेड़ हूँ या नीम का पेड़ हूँ, जो भी आपको बताना है वो बताएंगे आपको। फिर उसके बारे में बताना है, इसके ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया आपकी, किसका पेड़ है, कहाँ लगाया गया हूँ मैं, घर में लगाया गया हूँ, बगीचे में लगाया गया हूँ, वन में हूँ, तो आप उसके बारे में बताना है। फिर बाद में आपको उससे रिलेटेड कहानी लिखनी है कि मुझे कब उगाया गया, कैसे उगाया गया, मेरी गुठली कहाँ पे फेंकी गई, मैं उग गया, फिर मेरी परवरिश कैसे हुई, फिर मेरे पे जब फल आए था मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, मेरे फल क्या काम आते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो आप डिटेल में लिखेंगे। फिर कंक्लूजन में, अंत में आप कोई मोरल लिख सकते हैं। मोरल में आप कोई भी शिक्षा की ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मेरे साथ बहुत स्वार्थपूर्ण व्यवहार किया गया क्योंकि मेरे पे फल आने बंद हो गए। तो इस प्रकार से आप ये आप उसमें लिख सकते हैं कि हमें कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से आप थर्ड पार्ट कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारी आत्मकथा इस वीडियो में दी है, तो आपको करना क्या है, इन आत्मकथाओं को ध्यान से सुनना है और एक एक करके आपको इनको अपनी भाषा में लिखना है। यानी आप पहले ध्यान पूर्वक इसे सुनेंगे। यदि एक बार में समझ नहीं आती तो दो बार सुनिए, तीन बार सुनिए, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आती है, ध्यान पूर्वक आप इसके तीनों पार्ट सुनिए और फिर इसे लिख के देखिए। इससे क्या होगा, आपके लिए आत्मकथा लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप परीक्षा में अधिकतम अंक उठा सकेंगे। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो रुझान है हिंदी के प्रति वो बढ़े। और आपको ग्रामर में और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन्हें बनाऊंगी। धन्यवाद। सिक्के की आत्मकथा। मैं एक सिक्का हूँ, मेरा जन्म टकसाल यानी मिंट में होता है। पहले धातु को पिघलाया जाता है, फिर उसे सांचे में डाला जाता है, फिर मुझे बनाया जाता है, फिर मुझ पर कीमत आंकी जाती है। तब मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन दर्द सहन करने से जैसे मनुष्य का जीवन महान बनता है, ठीक उसी प्रकार मेरा भी। मैं सोने, चांदी, तांबा और लोहे का बनता हूँ। मुझे टकसाल से पेटियों में भरकर बैंकों में भेजा जाता है। मैं 10 का सिक्का हूँ। मुझे एक आदमी ने अपनी जेब में डाला तो मेरा वहाँ दम घुटने लगा। मैं उसके साथ कई जगह घूमा, फिर उसे भूख लगी तो उसने मुझे एक दुकानदार को देकर बिस्किट का पैकेट खरीद लिया। इस प्रकार मैं दुकानदार के गले में पहुंच गया। वहां मुझे मेरे से छोटे और मेरे जैसे कई मित्र मिले। मैं बहुत खुश हुआ, हम लोग मिलकर बातें करने लगे। तभी दुकानदार ने मुझे उठाकर किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसकी जेब फटी हुई थी, इसलिए मैं नीचे गिर पड़ा जहाँ बहुत कीचड़ था। लोग मुझ पर अपने जूते, बूट, चप्पलें, सैंडल रखकर जा रहे थे। मैं दर्द के मारे रोया चिल्लाया, लेकिन किसी ने मेरी
पुकार न सुनी। तभी एक भिखारी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक गई। उसने मुझे उठाकर धोया, फिर एक दुकानदार को मुझे देखकर ब्रेड खरीद ली और अपनी भूख मिटाई। सच मैं लोगों को कितनी खुशियां देता हूँ। आजकल तो जिसके पास जितना पैसा होता है उतना ही उसका मान सम्मान होता है। मैं मनुष्य का सबसे बड़ा रिश्तेदार हूँ। मेरे बिना जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। मेरा महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब लोग मुझे भगवान समझकर पूजने लगेंगे। मेरे बारे में कहा भी गया है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया।